शमशेर खान की खास खबर पर एक नज़र। गीला अकाल पीड़ित किसानों को 25,000 रुपयों की राशि देने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा में जोरदार हंगामा खड़ा कर वेल में बैनर लहराए। इसी बीच सेना विधायक संजय रायमुलकर व भाजपा विधायक अभिमन्यु पवार के बीच धक्का मुक्की हुई। इस हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले आधे घंटे के लिए और बाद में 10 मिनट के लिए स्थगित की। 40 मिनट तक सदन का कामकाज ठप रहा। सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्ष के नेता फडणवीस ने किसानों को 25,000 रुपयों की मदद करने का मुद्दा नियम 57 के तहत उठाया। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने विपक्ष की मांग को नियमों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। इसके तुरंत बाद विपक्षी सदस्य वेल में पहुंचकर जमकर नारेबाजी करने लगे। कुछ सदस्यों ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित खबर वाला बैनर लहराया। इतना ही नहीं तो वे आवेश में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सीट के काफी करीब पहुंच गए थे। वरिष्ठ विधायकों के बीच बचाव की वजह से मामला और गंभीर होने से बच गया। स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए राका नेता धनंजय मुंडे, भाजपा के गिरीश महाजन, आशीष सेलोकर व अंत में स्वयं विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को मध्यस्थता करनी पड़ी।